वो भाई साहब हमारे गाइड हैं, वो बेचारा थक गया हमसे। दूर आ गए अब काफ़ी, पीछे से देखो वहाँ से हम लोग चलते हुए आ गए हैं अभी। ये गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा क्राबी में तीसरा दिन। आज हम क्राबी से जाने वाले हैं पर हमारी बस है शाम के 5 बजे, इसलिए हमने सोचा कि आज हम सुबह सुबह काइकिंग करने जाएंगे। तो अभी बज रहे हैं 9, हम जा रहे हैं काइकिंग के लिए। हाफ एन आवर में वहाँ पहुँच जाएंगे और 3.5 घंटे या 3 घंटे लगते हैं काइकिंग में। फिर हम आज चले जाएंगे पटाया। अपने होटल से हाफ एन आवर की ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुंच गए ओ थराने, जहाँ पे कायक होती है। कल शाम को हम आए थे यहाँ पता करने। तो ये है वो रूट जहाँ से पूरा कायकिंग होगी और ये है आओ थलाने क्राबी थाईलैंड। कल शाम को हम आए थे तो इधर पानी नहीं था, लो टाइड थी तो चला गया था पीछे, और अभी हाई टाइड आई तो वापस से आगे आ गया। ये कायकिंग के लिए आज हम जाएंगे, लोग कर ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत तेज़ धूप है और कायकिंग करेंगे हम लोग, बहुत ही तेज़ धूप है ज़बरदस्त। तो आज तो बहुत भारी टैन होने वाले हैं हम लोग। ये यहाँ से स्टार्ट होगी कायक। हम लोग अभी यहाँ पहुँचे, अब हम लोग गाइड का वेट कर रहे हैं, वो आएगा फिर हम कायकिंग के लिए जाएंगे। वैसे आज शाम की हमारी 5 बजे की बस है तो थोड़ा सा मुझे अब हड़बड़ी लग रही है, क्योंकि बजे हैं अभी 10:30, तो लेट ना हो जाए हम लोग बस पहुँच जाएँ टाइम से। तो हमारा गाइड आ गया है और हमने ये बुक की है 500 baht पर पर्सन की कायकिंग। तो बस वी आर रेडी टू गो। नो वी कांट स्विम, वी वांट जैकेट। अभी हम लोगों को लाइफ जैकेट मिला है यहाँ पे, तो ही इज अवर गाइड। हर बार फैसिनेटिंग रील देखकर हम एक्टिविटी करने पहुंच तो जाते हैं, लेकिन हर बार उस एक्टिविटी के पहले हमको क्या ध्यान रखना चाहिए ये हमेशा भूल जाते हैं। पर आप बिल्कुल मत भूलिएगा, काइकिंग में आने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि ऐसे कंफर्टेबल एंड क्विक ड्राई होने वाले कपड़े पहने कि आपको ज़्यादा देर बैठने में परेशानी ना हो। शूज यहीं उतार के जाना पड़ता है। सो ये हमारी कायक आ गई है, इस पे हम जाएंगे बैठ के। आपका बैग वाटरप्रूफ होना चाहिए ताकि काइकिंग करते वक्त पानी आपके बैग में गिरे तो आपके डिवाइस जैसे फोन कैमरा एटसेट्रा खराब ना हो। ओके वेट। यहाँ आने से पहले अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखें। जिन लोगों को बैक पेन की शिकायत है वो थोड़ा ध्यान से ही काइकिंग करें या फिर इसे अवॉइड करें। तो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है मेरे को, डर सा लग रहा है। रेडी, इज देयर एनी बेल्ट दैट वी नीड टू टाई अप? ओके, नो 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 नो, ओके। फाइनली हम लोग का काइकिंग स्टार्ट हो गया है। नज़ारे तो बहुत ही शानदार आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा डर इस बात का लग रहा है कि हम लोग पहली बार कर रहे हैं काइकिंग। ये लोग अलग अकेले कर गए हैं। काइकिंग इज ऑल अबाउट सिंक्रोनाइजेशन। आपको ये कायक अपनी मैरिड लाइफ की तरह ही अपने पार्टनर के साथ बैलेंस करके चलानी पड़ेगी, नहीं तो ये आगे नहीं बढ़ेगी। लेफ्ट करो, लेफ्ट थोड़ा सा, हाँ एक तरफ मारो, उस तरफ जाना है। हम लोगों की डायरेक्शन थोड़ी अलग जा रही है। चलो लेफ्ट राइट, लेफ्ट। थका देने वाली एक्सरसाइज जा रही है, 2 घंटे करना है अभी तो, हार्डली 10 मिनट हुए हम लोगों को। लेफ्ट राइट, इसलिए बोल रहा था वो। राइट, अभी लेफ्ट करो ज़्यादा, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। ओ भाई साहब हमारे गाइड हैं, वो बेचारा थक गया हमसे। राइट करो ज़्यादा, आएगी वो एक और। हाँ मैं भी कर रहा हूँ, एक मैं शूट कर लूँ तुम्हारा, वीडियो बना रहा हूँ। दूर आ गए अब काफ़ी, पीछे से देखो वहाँ से हम लोग चलते हुए आ गए हैं अभी। ये
कल हम जब आए थे तो ये पूरा यहाँ पे आइलैंड टाइप का बन गया था, ये पानी जो है काफ़ी पीछे जा चुका था, आज तो ये पूरा लबालब भरा हुआ है पानी से। लेकिन यार अलग ही शांति है समंदर के बीचों बीच, मज़ा आ रहा है यार, ये भी अलग ही एक्सपीरियंस है। पानी एकदम नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा नहीं है। नीचे खुला समंदर, ऊपर नीला आसमां और बीच में हम, जब इतने दुर्लभ नज़ारों का मज़ा लेना हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। अपने चप्पू को लेफ्ट राइट हिलाते हुए हम मंग्रूव फॉरेस्ट तक पहुंचने की भरकश कोशिश कर रहे हैं। मेहनत तो देखो हर चीज़ में यार, अब यार ये स्पीड बोट तो है नहीं कि हम फट से इधर से उधर पहुंच जाएंगे, आपको हाथ चलाने पड़ेंगे, थोड़ी सी फिजिक होनी चाहिए। उसने हमसे ऑफ़र भी किया था कि आप लोग पहली बार कर रहे हो तो राइडर चाहिए तो ले लो, मैं ही, हमने कहा राइडर लेके ही करना होता तो फिर हम बोट से ही नहीं आ जाते। ये एक्सपीरियंस खुद फील करने की चीज़ होती है, खुद से करना होता है। थोड़ा सा हम डायरेक्शन लेस हो गए, पलटना पड़ेगा, हमने थोड़ा डायमीटर बड़ा ले लिया। गाइड तो बहुत आगे आगे चल रहा है साला, जितना हम दो लोग नहीं मिलके चला पा रहे हो तो अकेला चला ले रहा है, पतला दुबला सा है तब भी। आ रहा हूँ भाई, रुक जा 5 मिनट यार, तू तो आगे आगे भाग रहा है, रुकना थोड़ा तेरी। मैडम ये चप्पू चलाती हैं, चलो मैडम थोड़ा तेज तेज चलाइए, थोड़ा स्पीड में, 10-1 किलो का वजन कम हो जाएगा तुम्हारा आज ही। करना चाहिए, सबको करना चाहिए, एटलीस्ट फिट लोगों को तो करना चाहिए। एंट्री इनटू द हेवन, कितना पतला रास्ता है यार, बहुत ध्यान से चलानी पड़ेगी। चारों तरफ पानी से घिरा ये जहान, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ समुंदर और इनकी लहरें ही उछलती हुई दिखाई देती हैं, सामने खड़ी ये चट्टान भी शायद इन्हें रोक नहीं पाती। सही तो कहा है किसी ने, अगर जज्बा हो तो हम पहाड़ भी हिला सकते हैं। इसी जज्बे के साथ हम यहाँ आए थे कि काइकिंग तो आज करनी ही है, और देखो हम कहाँ पहुँच गए, ऐसी खूबसूरत जगह जिसे शोरगुल की शायद परिभाषा भी ना पता हो। जय श्री राम। वाओ, चलो करो करो, टकरा गए। स्टे विद अस यार, डोंट गो टू फार। हाँ ओके ओके। ऑलमोस्ट 1 आवर काइकिंग करने के बाद हम लोग फाइनली पहुँचे इनटू द मैंग्रोव फॉरेस्ट, द मोस्ट एग्जॉटिक लोकेशन ऑफ क्रापी। यहाँ पहुँचने के बाद लगा कि मेहनत का फल वाकई मीठा होता है। वाह यार, अलग ही दुनिया है यार ये तो। हाँ वेरी ब्यूटीफुल, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड। यह है वाटर, तो यह पानी वानी पिए, थोड़ा सुस्ता है, फील करते हैं, थोड़ा लो टाइड है। Cheers. This is also enough too. यार ये देखो एकदम बीचों बीच है जंगल के, मजेदार था एक्सपीरियंस। ओ मैडम देखो इधर। Look at the view यार, सीरियसली। हेलो, सो हाउ डीप इट इज, हाउ डीप इट इज, नहीं डीप, हाउ मच डीप इट इज। ओके कैन वी चेक इट, हाउ मच डीप, 1 मीटर, ओके 1 मीटर डीप है। बाप रे, इनको तो इंग्लिश नहीं आती यार, ये कैसे गाइड बन गए भाई हमारे, ये जुगाड़ वाले गाइड हैं। कुछ हमको इन्फॉर्मेशन उतनी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है, ऑल दो बंदा ठीक है, हेल्पफुल है, स्माइलिंग है। हाँ फीफी आइलैंड में हमको जितना इंटरेक्टिव गाइड मिला था ये उतना ही लीस्ट इंटरेक्टिव है, ऑल दो उसको इंग्लिश आती थी, इसको नहीं आती है, बस फ़र्क यही है। 1 मीटर डीप है मतलब हम लोग डूबेंगे नहीं, जितना ये पैडल है ना उतना ही डीप है, लेकिन स्टिल वाटर है, ज़्यादा वेव नहीं है तो हम लोग आराम से काइकिंग कर पा रहे हैं। विल केम बैक, ओके देयर इज अ एंड टू इट। ओ या दिस इज अ कैनियन, हाँ ब्यूटीफुल कैनियन यार। नो डू नॉट, व्हाट डू नो
No, अच्छा no drone, okay, yeah. Yeah. No. Yeah, yeah, I'm taking a video. You're also featuring in it. करो ना relax, कौन बोल रहा है तुमको अब चलाने का, वैसे भी अभी relax ही करना है. So have you been to India before? No. Okay. What's your name? Adam. Adam? Yeah, oh, Adam. Nice name, Adam. Almost कितना घंटा हो गया? एक घंटा तो हो गया होगा almost. आगे है मैंग्रोव फॉरेस्ट. टोटल 2-2.5 घंटे का होता है. गाइड भाई साहब हमारे बहुत सिगरेट पीते हैं, हमने आज मतलब 1 घंटे के अंदर ही हमने 3 सिगरेट निपटा दी. हवा चलती रहनी चाहिए यार, बस हवा चलती है तो थोड़ी सी एनर्जी आती है, थोड़ी रिफ्रेशमेंट आता है. क्यों आनंदित, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, पर बहुत करनी पड़ी. लेफ्ट करो थोड़ा, कुछ लोग करके लौट भी रहे हैं. हाय लंबा नो राइट. ये मैंग्रोव फॉरेस्ट तो ज्यादा ही डेंजरस है, इतनी छोटे छोटे रास्ते हैं कि हमारी बोट टकरा रही है भैया. यहाँ बंदर भी हैं भाई, संभल के रहने की जरूरत है. हमारे पास केले थे, इतना झपट्टा तो नहीं मारेगा, नहीं है. ये देखो, वाह ये देखो भाई, ये सही चीज है, बहुत सही. पूरे में जंगल ही जंगल, जंगलों के बीच बंदर भी हैं भाई काफी यहाँ पे. हम लोग भी बेलगाम हैं और कमाल भी, ना स्विमिंग आती है, ना कभी काइकिंग की थी और ना ही चप्पू चलाने में कोई महारत हासिल है, लेकिन फिर भी निकल पड़े थे क्योंकि क्राबी आकर ये नज़ारे हम मिस नहीं करना चाहते थे और लाइफ टाइम इस मेमोरी को चेरिश करना चाहते थे. हेलो, वी स्टक कम. इतनी प्यारी और सुनसान जगह में आके हम यहाँ फंस गए थे. फिर हमें लगा कि आज इस एडवेंचर के साथ कोई और एडवेंचर ना हो जाए, क्योंकि हमारी हर ट्रिप में ऐसा कुछ ना कुछ हो ही जाता है. बट द गाइड वॉज सो हेल्पफुल एंड काइंड. भले ही उसे हमारी लैंग्वेज नहीं आती थी, बट एज इट सेज काइंडनेस हैज नो लैंग्वेज. ये पूरा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, इसके बीच से हम लोग जा रहे हैं. ये काइकिंग पूरी इधर तक लेके आती है. भाई साहब ने मेरे को आगे कर दिया है और ये खुद बैठ गए हैं एक ही नाव पे और उन्होंने अपनी पीछे वाली नाव बांध दी है. अब यही चप्पू चला रहे हैं हम लोग, रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, टायर्ड हो गए थे और वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसे ही ले चले. पहले उन्होंने बोल दिया कि नो मनी डोंट वरी. वाओ यार, ये तो बहुत एग्जॉटिक लोकेशन है. यस आई एम सुपर वीआईपी. वाओ यार, वर्ल्ड में क्या क्या है देखने को, जब आप निकलते हो तभी पता चलता है कितना ब्यूटीफुल है यार. मीन सीरियसली. हेलो, 10 meter deep है ये वाटर, तो इन्होंने काफ़ी संभाल लिया. हम लोग बहुत थक गए थे और इधर उधर हो रहे थे, काइकिंग हमसे संभल नहीं रही थी. एक छोटी सी भी गलती थोड़ी भारी पड़ सकती है. वो हमसे पूछ रहे हैं क्या इंडिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट नहीं है क्या. हम बता रहे हैं इंडिया में भी मैंग्रोव फॉरेस्ट है, साउथ में कहीं है, साउथ में भी है. सुंदरबन जो है ना डेल्टा, वो भी ऐसा ही है. ओके, वेलकम टू द वी केप एंड क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल? नो क्रोकोडाइल, नो क्रोकोडाइल. ओके, केप क्रोकोडाइल. ये बता रहे हैं कि भाई सामने क्रोकोडाइल केव है लेकिन यहाँ क्रोकोडाइल नहीं है. ये आगे भाई साहब जो जा रहे हैं वो हमसे कल मिले थे, उन्होंने ही हमको बताया था कि हाँ आ सकते हो, कर सकते हैं काइकिंग.
हालांकि हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे आने में, तो फिर दूसरे भाई साहब मिले हमको, थोड़ी इंग्लिश जानते हैं। वो जानबूझ के इसलिए हमारे साथ आए, उसको पता है इतने ये नैरो और रास्ते होने वाले हैं, तो शायद हम लोग स्ट्रगल करते हैं यहाँ पे। And you super VIP? ये super VIP इसको इसने कहाँ से सीख लिया? No battery, no power bank. No battery. We have battery, we have power bank. Super VIP नाम रख दिया इन्होंने मेरा। जहाँ तक हम आए वहाँ तक maximum time मैंने ही पैडल मारा है। इतना शूट करें भाई, हर एक चीज़ शूट करने लायक है, लेकिन हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है, तो वही है, हर चीज़ तो शूट नहीं कर सकते, लेकिन ये हर ये जगह ना बहुत ही awesome है, बहुत ही। सॉरी हाँ, ओ नो नो इशू, चेक बैलेंस, चेक बैलेंस, उनका कहना ये है कि चेक बैलेंस, थोड़ी सी भी गलती भारी पड़ जाएगी यहाँ। बीच बीच में ये टहनियाँ हैं पेड़ों की जो कि अड़ रही हैं, कुछ जगहों पे तो नीचे पानी के जस्ट नीचे ही टहनियाँ हैं, तो बोट कई बार फंस जाती है, हमारी बोट फंस चुकी थी, शायद इसीलिए इन्होंने जिम्मा संभाला और आ गए कि भाई आप लोगों से नहीं हो पाएगा, इन्होंने देख लिया था हमारी स्पीड और हमारी एक्यूरेसी काइकिंग की। हेलो एंड टू सुपर वीआईपी, टू सुपर वीआईपी। लेकिन ये अकेला दो साइड को लेके चल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है, हम दोनों तो बस बैठ गए हैं आके यहाँ पे, पतले पतले रास्तों से ले जा रहा है, अपन ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन नो आई कैन ऑल्सो पैडल इफ यू वॉन्ट। थोड़ा जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। ये ऑलमोस्ट हम लोग 7 kilometers अराउंड कायक कर रहे हैं। जब आप फिट रहते हो ना तो आप सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हो, जैसे अभी कायकिंग में भी हमको अपने पूरे हैंड पैडल चलाने पड़ रहे थे हैंड से, तो हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, हमारे बैक में भी पेन होने लगा, हैंड में भी पेन होने लग गया विद इन एन आवर। इसीलिए फिटनेस बहुत मस्ट है, इतना डेंस है ना ये फॉरेस्ट, लेकिन अगर आपको स्विमिंग आती है, कायकिंग आती है, और आप सोचो कि हम अकेले आ जाए, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा अकेले आने के लिए, क्योंकि जो इसका रूट है ना ये लोग ही जानते हैं, ये लोग ही पहचानते हैं जो लेकर आते हैं, हम लोग तो अकेले नहीं आ सकते। पहली बात तो हमको कायकिंग नहीं आती, दूसरी स्विमिंग नहीं आती, और तीसरा ये भी फैक्टर है कि यहाँ का रूट थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आप इतना ईजिली नहीं जान पाएंगे कहाँ का है, तो आपको एक गाइड तो हायर करना ही पड़ेगा। यू ओके? चेक बैलेंस, चेक बैलेंस। अभी ये हमको छोड़ रहा है, अब मुझे यहाँ से बाहर का रास्ता दिखने लगा है। पहले इनकी बोट पीछे थी, हमारी आगे थी, अब इन्होंने इधर बांध लिया, अब ये आगे हम पीछे। ये हमारी लाइफ के वो 3 घंटे थे जिन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। इन लहरों की आवाज़ें हमारे कानों में सालों तक गूंजेंगी। कायक को रो करते हुए हाथ तो दुखे, लेकिन उस जगह पर पहुंचने का जो सुकून था वो हम बता नहीं सकते। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे शोर के नाम पे कायक के तैरने की आवाज़ हो, और नज़ारे ऐसे जिसे देखकर सारे शोर एक गाने की तरह लगता हो। आपको ये नज़ारे कितने प्यारे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड में एक नए डेस्टिनेशन, जहाँ हम जाने वाले हैं पटाया। देखिए क्या क्या चीज़ें लगती है, tough job of a vlogger. subscribe to rock and reel to rock and reel yeah.